important part of concrete technology for your site and for the competition list on the basis of competition exams. If you do not know how to design a concrete, then it will be a very big problem. The first question arises is, what is concrete mix design? What is mix design? It is the process of selecting suitable ingredient of concrete, determining their relative proportions with the object of producing concrete as economical as possible, which has certain minimum properties, notable strength and workability, durability. It just means you have to design the concrete, or you have to make a ratio of cement, fine aggregate and coarse aggregate, so that that ratio can give us our desired strength, durability, plus what all wants, economy. Cost of concrete can be reduced with the help of this ratio, but with the reduction in cost, this we should not compromise with the strength and durability. So you have to design a mix that have desired strength, durability, plus its cost is less. Another factor which is important is workability. So recording on kar dena. इट इज ऑनली इंट्रोडक्शन व्हाट इज अ मिक्स डिजाइन. हिंदी में अगर तुम्हें समझाऊं तो कुछ नहीं है. कॉन्क्रीट को उसके अंदर अपन को सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट तीनों को इस तरीके से मिलाना है ताकि अपने पास जो मिक्सचर आए उसमें अपन को डिजायर स्ट्रेंथ मिले, ड्यूरेबिलिटी मिले, इकोनॉमी मिले, वर्केबिलिटी मिले और उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए. बस इतना सा ध्यान रखना है. अब कॉन्क्रीट मिक्स अपने पास तीन टाइप के होते हैं मेनली. सबसे पहला टाइप होता है नॉमिनल मिक्स. ये आईएस कोड 456 के अंदर आपको मिल जाएगा, जिसमें M25 तक. M मतलब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं मिक्स, और 25 होता है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ. नॉमिनल मिक्स वहां तक है M25 तक. इनको इसलिए नॉमिनल मिक्स कहा जाता है क्योंकि ये छोटे वर्क्स के लिए यूज आ सकते हैं या नॉर्मल रेसिडेंशियल हाउसिंग के लिए यूज आ सकता है. रेसिडेंशियल हाउसिंग के लिए नॉमिनल मिक्स स्पेसिफाई द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट विदाउट मेकिंग स्पेशल एफर्ट टू नो देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज. नॉमिनल मिक्स हैज वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग. कोड के अंदर तुम्हारे पास सबका प्रोपोर्शन गिवन है इसलिए इसको नॉमिनल मिक्स बोलते हैं. कोड जो आईएस 456 है, 456 उसके अंदर सबका प्रोपोर्शन गिवन है इसलिए इस मिक्स को नॉमिनल मिक्स बोलते हैं. एक होता है स्टैंडर्ड मिक्स. स्टैंडर्ड मिक्स में अपन ये मान के चलते हैं 1 सीमेंट, 2 सैंड, 3 ग्रेवल बाय वॉल्यूम. मिक्स द ड्राई इंग्रेडिएंट एंड स्लोली ऐड वाटर अंटिल द कंक्रीट इज वर्केबल. The mixture may needed to be modified depending on the aggregate used to provide concrete of the right workability. So this mix depends on the site condition.
आप साइड पे गए, एक सीमेंट का पार्ट लिया, दो सैंड के पार्ट लिए, तीन ग्रेवल के पार्ट लिए, तीनों को मिक्स किया, पानी डाला, अगर उसकी वर्क कैपेसिटी डिजाइन नहीं है तो उसमें क्या किया, सीमेंट ज्यादा डाल दिया और या फिर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो एग्रीगेट ज्यादा दिया डाल दिए, या तुम्हें लग रहा है उसमें वॉइड से रहना है तो सैंड ज्यादा डाल दी, वो डिपेंड करता है साइट की कंडीशन पे और किस प्रकार का कॉन्क्रीट चाहिए। तो स्टैंडर्ड मिक्स तो अपन यू भी यूज नहीं करते कोई भी, अपन यूज करते हैं या तो नॉमिनल मिक्स या मिक्स डिजाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डिजाइन मिक्स फॉर एवरी कॉम्पिटिशन। जिस बंदे को साइट पे भी जाना है, साइट पे भी जाना है, उसको भी ये चीज आनी चाहिए कि डिजाइन मिक्स कैसे करते हैं। डिजाइन मिक्स इज अ प्रोसेस वेयर ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट ऑफ द कंक्रीट इज फर्स्ट टेस्टेड इन द लेबोरेटरी। वी ओनली मेड ट्रायल मिक्सेस ऑफ कंक्रीट ऑन दैट बेसिस। वी मेक ट्रायल मिक्सेस ऑफ कंक्रीट ऑन दैट बेसिस वी डिसाइड what should be the proportioning of concrete. Suppose I make a mixture of 1:2:4 and its strength is M20. If I test it on the our compressive strength machine and this strength get reduced, then we again made another trial, another mix of another ratio, another trial, so that we can get our desired strength and desired durability and desired workability. कुछ मतलब कि तीनों को मिक्स किया, अगर आपने उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में डाला, अगर उसमें स्ट्रेंथ उतनी नहीं आ रही थी आपको चाहिए तो आपने वापस एक और मिक्स बनाया। वो डिपेंड करता है कंडीशन, तुम्हें कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। सपोज करो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट विच वी यूज इज 20 mm. On that 20 mm, you got a water content of 0.45. I am also considering, we are not following the code IS456 or IS10262. I am only assuming. If I assume 20 mm aggregate and my workability or strength is not what I desired, then I can use also, then I can try 16 mm, 8 mm, or I can increase the quantity of aggregate, decrease the quantity of aggregate. So it all depends on us to try. It is a trial and error method, but it can be perfected by its experience. If you get right experience, you definitely will get how to proportion the concrete at site. So mix design, how we design the mix, there are few methods which we use are arbitrary proportion method, maximum density method, fineness modulus method, surface area method, Indian standard method, EIC committee method, road note number method, four method, Department of Environment method. From the following method we only use in India, Indian standard method till M60. Till M60 we only use Indian standard method. Above M60 we prefer ASAE committee method, because our code has only provided the values till M60. Above M60, our code is saying follow the ASAE committee method, which is American Concrete Institute. Process of design, the first step will be to find out target strength. Target strength formula is, suppose FCZ, as you have to design M20. So your value will be M20, this M20 and 1.56S. S is referred from table 8, IS456, 2000. One another thing is you have to learn this table.
IS 456 will not be provided in the exam. Table number 8 and table number 5. I will show you these tables in our questions. But first we discuss about steps. Second step is selection of water cement ratio. Third is selection of water content. It depends on the size of aggregate. Fourth step is calculation of cement content. Calculate from water cement ratio. Fifth step is proportion of volume of aggregate. Depends on size and zone of aggregate. Sixth step is mix calculation. Depends on mass of fine and coarse aggregate. And last step is your mixed proportion, proportion of each ingredient. With the help of these steps, we will be able to design concrete. Now see how we use this step in admixed design. Suppose you have to design. Suppose you have to design mixed design calculation for M20. Suppose you have to design M20 concrete. मैं तुम्हें M20 सिखाऊंगा और M40 हाथ से करवाऊंगा. फिर तुम्हें M50 और M60 के क्वेश्चन तुमसे आराम से हो जाएंगे. M20 के अंदर कोई सुपर प्लास्टिसाइजर यूज नहीं आता है, बट विद द M40 वी यूज द सुपर प्लास्टिसाइजर. आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज द सुपर प्लास्टिसाइजर एंड व्हाट इट्स रोल इन द कॉन्क्रीट. अब तुम्हारे पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा आता है मैं तुम्हें बताता हूँ. क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास डिजाइन M20 कॉन्क्रीट ग्रेट कॉन्क्रीट. सिर्फ इतना लिखा हुआ आएगा, नीचे लिखा हुआ आएगा एज्यूम ऑल सुटेबल डेटा. एक तो ये पैटर्न आता है, सेकंड पैटर्न आता है डिजाइन M20 कॉन्क्रीट ग्रेड कॉन्क्रीट, और उसमें सारा ये वाला डेटा गिवन होगा. तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. अब डेटा क्यों नहीं गिवन होता है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि तुम्हें ये सारी वैल्यूज बताओ कि अगर मिक्स डिजाइन अपन कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से डेटा यूज आते हैं, जैसे मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, टाइप ऑफ एक्सपोजर, वाटर सीमेंट रेशियो, सीमेंट यूज्ड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट, फ्री मॉइस्चर इन कोर्स एग्रीगेट, फ्री मॉइस्चर इन फाइन एग्रीगेट, बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट, बल्क डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड बल्क डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट. ये सारी वैल्यूज इसके अंदर यूज आती है, तो तुम लोगों को पता होनी चाहिए. अब कुछ लोग तो इसको देख के ही घबरा गए, याद हो जाएंगी तुम्हें ये सारी वैल्यूज. अगर मैं एग्जाम के सिर्फ दे देता हूं डिजाइन M20 कॉन्क्रीट ग्रेड एज्यूम ऑल सुटेबल डाटा, तुम सारी वैल्यूज याद कर लोगे. रिप्लाई करो भाई, तुम्हारे काम का डिजाइन मेरे काम का नहीं रहा. ट्राई करेंगे सर. कर लोगे? M40 के लिए अलग होगी, M30 के लिए अलग होगी, याद रखना. ये तो सर सारी फिर अगर M50, 45 उनके सबके लिए अलग अलग होगी. तो उसका एक तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ. तुम्हें अभी क्लासरूम में एक लिंक भेजूंगा मैं कोड का, कोड शो करता हूँ मैं तुम्हें, रुकना. ये है IS कोड
1262 इस कोड के अंदर तुम्हें सारी वैल्यूज इसकी मिल जाएगी। ये कोड तुम्हें एग्जाम में मिलता है कंक्रीट में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो पेपर होता है वो ये ही कोड प्रोवाइड कराता है IS 10262। इस कोड के अंदर सिर्फ तुम्हें एक तो ये टेबल याद करनी है, टेबल वन। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे जब समझ में आ जाएगा कैसे यूज करते हैं टेबल टू टेबल थ्री। और तुम्हारे फायदे के लिए पूरा एक डिजाइन दिया हुआ है इसके अंदर, ये देख लो सारी वैल्यूज आ गई इसके अंदर कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन करने के लिए तुम्हें क्या क्या वैल्यूज चाहिए, ये सारी वैल्यूज इसमें आ गई है। ग्रेड डेसिग्नेशन M40 चाहिए, टाइप ऑफ सीमेंट चाहिए, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट चाहिए, मिनिमम सीमेंट कंटेंट चाहिए, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए, वर्केबिलिटी चाहिए, एक्सपोजर कंडीशन चाहिए, मेथड ऑफ कॉन्क्रीट प्लेसिंग चाहिए, डिग्री ऑफ सुपरविजन चाहिए, टाइप ऑफ एग्रीगेट चाहिए, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट चाहिए, केमिकल एडमिक्सर टाइप चाहिए, सीमेंट सैंड। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। और भी तुम्हें देखना होगा इसके अंदर पूरी डिजाइन भी गिवन है, कैलकुलेशन तुम्हें अभी मैं समझा दूंगा, ये पूरी डिजाइन गिवन है कोड के अंदर ही। क्या अगर आपको डिजाइन करना है तो कैसे डिजाइन करोगे ये देखो, पर इसमें बेटा सिर्फ एक ही डिजाइन गिवन है M40 की। उस M40 का बेस बना के तुम M20 M50 M60 जो चाहो वो डिजाइन कर सकते हो। ये कोड तुम्हें अभी मैं डाल दूंगा क्लासरूम में इसका लिंक, एक बार देख लेना कोड, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मेरे को। आगे चलते हैं अपन डिस्कस करते हैं M20 की डिजाइन। तो अपन ये मान लेते हैं अपन को ये वैल्यू सारी गिवन है, ऑल द वैल्यूज इन दिस क्वेश्चन इज गिवन टू अस। अब अपन को क्या करना है, वी हैव टू डिजाइन M20 कॉन्क्रीट फॉर 1 meter cube वॉल्यूम, ओनली फॉर 1 meter cube वॉल्यूम। The first step which will be included is this step first, target strength is equal to FCK plus 1.65S। इसको target strength या mean strength भी बोलते हैं, याद रखना mean strength और target strength। FCK अपने पास सपोज करो M20 डिजाइन कर रहे हैं तो FC के अपने पास हो गया 20, बट व्हाट अबाउट S? S अपन को मैंने तुम लोगों को बताया था टेबल 8 IS कोड 456, बट ये कोड तुम्हें कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता देता हूं। यू विल नॉट गेट दिस कोड इन योर एग्जाम, इन योर मेन एग्जाम और इन योर मिड टर्म एग्जाम। This code is only provided if the exam is RCC. So you have to learn this table for M10 and M50. And your S value is 3.5. For M20 and M25, your S value is 4.0. And from M30 to M50, your S value is 5.0. So by substituting this value to in the place of FCK, we substitute 21.65 into 4. So our target strength we get is 26.6 megapascal. So after 28 days your cube strength should be equal to 26.6 megapascal,
not 20 megapascal. I am saying 26.6 megapascal. आपने कंक्रीट को जो 28 दिन तक पूरा उसको जमा के रखा, उसके बाद जो क्यूब बढ़े उस रेशियो से, उसकी स्ट्रेंथ 20 नहीं होनी चाहिए, 26.6 होनी चाहिए. अगर 26.6 नहीं होती है तो उस रेशियो को तुम्हें फिर से डिजाइन करना पड़ेगा फॉर M20. M20 अपने पास कोड में गिवन है कि M20 में इतना रेशियो डालते हैं, पर वो कैसे रेशियो बना वो अपन इस क्वेश्चन में देख रहे हैं. अगर इस स्टेप के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं तो अपन आगे मूव ऑन करते हैं. सर टारगेट स्ट्रेंथ क्या है? टारगेट स्ट्रेंथ इज योर मीन स्ट्रेंथ. व्हेन वी टेस्ट द कंक्रीट के 28 दिन तक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो ये जो स्ट्रेंथ निकलती है इसको बोलते हैं टारगेट स्ट्रेंथ. अपन ये स्ट्रेंथ जो जैसे M20 डिजाइन कर रहे हैं, तो हाईएस्ट कोड हमेशा क्या करते हैं, जैसे 20 अपन को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए, तो हाईएस्ट कोड उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लो इसको 1.6s है जो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लो इसको, उसके स्ट्रेंथ बढ़ा के ही अपन यूज करेंगे कंक्रीट को. इसलिए अपन टारगेट उससे जो स्ट्रेंथ निकलती है उसको टारगेटेड स्ट्रेंथ बोलते हैं. इसको बोलते हैं कि 28 दिन के बाद ये स्ट्रेंथ आनी चाहिए. आफ्टर 28 डेज अपनी टारगेटेड स्ट्रेंथ ये रहनी चाहिए, इसलिए इसको अपन टारगेटेड स्ट्रेंथ बोलते हैं. और मीन स्ट्रेंथ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अपन क्यूब टेस्टिंग करते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने टेस्ट करते हैं भाई, मैंने कितने बताया था तुम लोगों को? 3. और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3. फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नंबर ऑफ क्यूब टेस्टेड इज 3. एग्जाम आ गया भाई मिड टर्म. तीन क्यूब अपन टेस्ट करते हैं, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था. फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वी टेस्ट इन 3 क्यूब और उन तीनों क्यूब का एवरेज लेते हैं. अपन एवरेज लेते हैं, उस एवरेज की जो स्ट्रेंथ आती है उसको बोलते हैं मीन स्ट्रेंथ. इसलिए इसको मीन स्ट्रेंथ भी बोलते हैं और इस तरीके से अपन इसको टारगेटेड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं. पर जो करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो तुम्हारी FCK ही रहेगी, याद रखना. देयर इज बिग डिफरेंस. अगर तुम्हें बोला जाए कि मीन स्ट्रेंथ क्या है, तो मीन स्ट्रेंथ FCK प्लस 1.65s, या इसको सिग्मा से भी डिनोट करते हैं. सर ये FCK M के बाद जो वैल्यू है वही है ना? यस, ये जो M20 है तुम्हारा बिल्कुल. यहाँ पर जो M20 है, M20 M तो मतलब होता है मिक्स और 20 मतलब होता है तुम्हारे पास करैक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ये जो 20 है वो FCK के इक्वल होता है. FCK से डिनोट करते हैं इसको 20 को, करैक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ये ग्रेड है कंक्रीट का M20. तो अगर अपन को करेक्ट M20 डिजाइन करना है तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप होगा तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, टारगेट स्ट्रेंथ या मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. बस ये याद रखना है तुम्हें. मीन स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे? FCK प्लस 1.565s. सेकंड स्टेप पे चलते हैं इसका. अब ये वाली जो टेबल है ये थोड़ा जूम आउट नहीं किया, अभी टेबल अपन दे देंगे. IS 10262 टेबल नंबर 5, सॉरी IS 456 टेबल नंबर 5.
ये टेबल भी तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। अरे बिल्कुल नहीं रही है चर्च में को, सर ये इस बुक में है क्या वो वाली टेबल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी MS20 वाली है? एक मिनट प्रेम कुमार रुको, एक मिनट प्रेम कुमार एक मिनट रुको, वापस रिप्लाई करता हूँ। हाँ प्रेम कुमार आप बोलो। वो जो आपने पिछली टेबल बताई थी ना उसमें तो कुछ देख ही नहीं रहा सर, वो बुक में है क्या टेबल? ये बुक के अंदर नहीं मिलेगी तुम्हें, ये IS-456 कोड के अंदर ही मिलेगी। ये दोनों टेबल मैं तुम्हें ना अभी प्रोवाइड करवा दूंगा, क्लासरूम में दोनों टेबल्स आ जाएगी तुम्हारे पास। IS-456 में सिर्फ तुम्हारे पास दो टेबल ही यूज आएगी, एक तो ये टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 5। अभी मैं इसको साफ एक कोड डाउनलोड करके तुम्हें यही बता दूंगा मैं। टेबल नंबर 5 कोड तो तुम ऐसे भी कोड डाउनलोड कर ही लोगे तो भी मैं तुम्हें IS-456 का भी लिंक भेज दूंगा और इसका भी लिंक भेज दूंगा। और एक टेबल आएगी टेबल नंबर 8। रुको अभी मैं कोड तुम्हें भेज ही देता हूँ, एक मिनट रुको। अब टेबल साफ दिख रही है? यस सर। ये टेबल मैं तुम्हें क्लासरूम में भेज दूंगा। देखो ये तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम में तो तुम डायरेक्ट इसमें से देख सकते हो, बट जब मेन एग्जाम्स होंगे ये कोर्ट में तुम्हें टेबल भी मिल जाएगी मिड टर्म एग्जाम्स के अंदर, तुम खुद ही देख लोगे। पर जब मेन एग्जाम होंगे या कॉम्पिटिशन एग्जाम होंगे उस समय तुम्हें ये टेबल याद होनी चाहिए, उसके बिना ये टेबल तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। सिर्फ RCC का जो एग्जाम होगा आगे तुम्हारे पास, जो अभी 5th सेम के अंदर RCC आएगी उसके अंदर ये टेबल यूज आएगी, बाकी ये टेबल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। कंपटीशन और सिटी का कोई भी एग्जाम होगा जब ये टेबल नहीं मिलेगी, तुम्हें याद होनी चाहिए ये टेबल, बेसिक के लिए टेबल ये और इससे पहले वाले जो टेबल बताई वो। तो इसके अंदर अपन को क्या पता करना है, स्टेप टू है सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट इन वाटर सीमेंट रेशियो, WC रेशियो आपको सेलेक्ट करना है। अपन को क्वेश्चन के अंदर देखो एग्रीगेट की साइज कितनी गिवन है, कोई भी साइज नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, पर अपन को हमेशा याद रखना एग्रीगेट की साइज नोन होनी चाहिए, एग्रीगेट की साइज शुड बी नोन। अब मेरे को इस कंडीशन या इस पॉइंट्स के अंदर कोई भी एग्रीगेट की साइज गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में तुम्हें हमेशा 20 mm एज्यूम करना है। अगर तुम्हारे पास एग्रीगेट की साइज गिवन नहीं हो तो सीधे 20 mm एज्यूम कर लो, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट टेबल के अंदर, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm एज्यूम कर लो।
और कंडीशन माइल्ड एक्सपोजर गिवन है अपने पास, टाइप ऑफ एक्सपोजर कंडीशन, माइल्ड टेबल के अंदर तुम्हारे पास देखो माइल्ड भी है, मॉडरेट भी है, सीवियर भी है, वेरी सीवियर भी है और एक्सट्रीम भी है। अब कोई बताएगा माइल्ड मॉडरेट एक्सट्रीम का मतलब क्या है इसमें? एनीवन जिसको बताओ कोई, अगर माइल्ड कंडीशन है तो क्या है, मॉडरेट क्या है? मैंने तो बोल दिया कोई अगर माइल्ड आए तो मेरे को M20 ग्रेड डिजाइन करना है, माइल्ड में लिखा हुआ प्लेन कंक्रीट M20 डिजाइन करना है, तो अपने पास मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना है यहाँ पर 220, मैक्सिमम रेशियो क्या है तो WC रेशियो मैंने ले लिया 0.60, ये मेरा रेशियो हो गया टेबल में। पर मतलब क्या हुआ माइल्ड का, मॉडरेट का, सीवियर का, वेरी सीवियर का, एक्सट्रीम का? माइल में मैं बता देता हूँ तुम्हें, माइल का मतलब हो गया, ये तुम्हें क्वेश्चन में कोई नहीं पूछेगा माइल का मतलब क्या हुआ, ये सब आरसीसी का पार्ट है, कॉन्क्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एग्रेसिव कंडीशंस। एग्रेसिव कंडीशंस कौन कौन सी हो गई? सबसे बड़ी एग्रेसिव कंडीशंस होती है कंक्रीट वाटर के टच में आना, सी वाटर के टच में आना। दूसरी होती है क्लोराइड अटैक, सल्फेट अटैक। दूसरा तुम्हारे पास है मॉडरेट, मॉडरेट होता है कॉन्क्रीट सरफेस सेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन। सीवियर रेन से एक्सपोज बट अल्टरनेट डेज में, अल्टरनेट डेज मतलब एक दिन बारिश आई दूसरे दिन बारिश नहीं आई, मतलब वेटिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस चल रहा है कॉन्क्रीट के ऊपर, तो उस कंडीशंस को बोलते हैं अपन सीवियर कंडीशन, या कॉन्क्रीट पूरी सी वाटर के अंदर इमर्ज्ड है वो कंडीशन सीवियर कंडीशन, वेरी सीवियर कंडीशन। कॉन्क्रीट
एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे एंड फाइनल इज योर एक्सट्रीम कंडीशन सरफेस मेंबर इन टाइडल जोन. टाइडल जोन या अर्थक्वेक जोन, अर्थक्वेक कंक्रीट इन अर्थक्वेक जोन. तो पहली कंडीशन तो वो हो गई माइल्ड जिसमें कंक्रीट का सरफेस सी वाटर स्प्रेयर. वेट अ मिनट, कंक्रीट एक्सपोज्ड टू सी वाटर. ग्रेम योर वॉइस इज नॉट क्लियर. सो आपने लिखा ना सर वेरी सीवियर एक्सपोज्ड टू सी वाटर, बाद में क्या लिखा है सर? एक्सपोज्ड टू सी वाटर स्प्रे. देखो सीवियर कंडीशंस क्या हो गई, जब कंक्रीट पूरी सी वाटर के अंदर इमर्ज्ड है. मतलब अपन जैसे कोई ब्रिज बना रहे हैं उसका कॉलम, कुछ कॉलम का कुछ पार्ट क्या होगा वो उसके अंदर इमर्ज्ड होगा कंक्रीट के अंदर, और कॉलम का कुछ पार्ट ऊपर होगा. तो पानी बार बार जिस पार्ट से आके टकराएगा, जिस पार्ट से जिस कंक्रीट के पार्ट से आके टकराएगा, नीचे वाला पार्ट तो वैसे भी एक्सपोज्ड है पर जिस पार्ट से बार बार आके टकराएगा वो उसकी उस पार्ट की कंडीशन हो गई वेरी सीवियर, क्योंकि वो सी वाटर स्प्रे से बार बार एक्सपोज हो रहा है. तो सीवियर और वेरी सीवियर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखना. सीवियर में सी वाटर के अंदर आपका जो कंक्रीट का पार्ट है वो पूरा इमर्ज्ड है, और वेरी सीवियर के अंदर उसके अंदर स्प्रेइंग हो रही है. जैसे और एक और कंडीशन हो सकती है, कभी कभी वाटर वो टावर्स देखे होंगे अपन ने, कोई मूवीज होती है उसमें टावर्स देखते हैं जो मतलब बीच पे होते हैं, वहां टावर बने हुए होते हैं, जो उनका बाहर वाला सरफेस होता है वो भी एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे. ये होता है सीवियर और वेरी सीवियर में डिफरेंस. तो माइल्ड तो क्या हो गया, तुम बस याद रखना है कॉन्क्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एग्रेसिव सब्सटेंसेस या एग्रेसिव एलिमेंट्स, एनीथिंग यू कैन से. मॉडरेट इज योर कॉन्क्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन, मतलब बहुत ज्यादा तेज बारिश आ रही है. अपने बारिश वाले इलाके कौन से, केरला हो गया, ये साउथ वाली साइड लेते हो, वो सारी कंडीशन हो गई मॉडरेट. अपन यहाँ अपने यहाँ जो भी कंडीशन है वो सारी कंडीशन है माइल्ड. जो राजस्थान वाला गुजरात वाला नॉर्थ वाला हिस्सा है जहाँ पर पानी नहीं है, गुजरात में भी समुंदर है वहां पर पानी है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली कंडीशन चेंज हो जाएगी. राजस्थान अपन कंसिडर कर लेते हैं, उसके अंदर जो भी कॉन्क्रीट सरफेस होगा वो माइल्ड में होगा. सेकेंड आता है मॉडरेट, बार बार बारिश आ रही है, तो जो अपने साउथ वाला इलाका है जहाँ बारिश, वो इलाका जहाँ बारिश बहुत ज्यादा आती है तो उसको अपन बोलेंगे मॉडरेट. वेयर हैवी रेनफॉल्स कम द कंडीशन इज नोन एज मॉडरेट. थर्ड कंडीशन है सीवियर रेन, बारिश आ रही है पर अल्टरनेट डेज में आ रही है, वेटिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस चल रहा है. मतलब एक दिन बारिश आई, दूसरे दिन सूरज आ गया, फिर बारिश आई, फिर सूरज आ गया. तो ये हो गए सीवियर, वेरी सीवियर एक्सपोज टू द सी वाटर स्प्रे, और एक्सट्रीम कंडीशन जहां पर भूकंप आता हो, अर्थक्वेक जोन. भारत का जो अर्थक्वेक जोन सबसे ज्यादा है दिल्ली, जो अपना हिमालयन रीजन है, वो एक्सट्रीम कंडीशन आ गए. तो उसके हिसाब से कंक्रीट को अलग अलग वाटर सीमेंट रेशियो में डिवाइड किया गया है. ये देखो इसके अंदर, अब ये तो हो गई सारी कंडीशंस. लेट मी रिपीट, अब ये तो हो गई तुम्हारी सारी एक्सपोजर कंडीशंस. अब इन एक्सपोजर कंडीशन के बाद तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास पीसीसी है प्लेन सीमेंट कंक्रीट या आरसीसी है रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट. अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो अपन को हमेशा आरसीसी लेनी है, और क्वेश्चन में गिवन है पीसीसी है या आरसीसी है तो उस हिसाब से अपन को सिलेक्ट करना है. अब अपन ने क्वेश्चन में देखा कि माइल्ड कंडीशन गिवन है, अब क्वेश्चन के अंदर देखते पीसीसी गिवन है या नहीं है. वो कोई कंडीशन गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर. जब क्वेश्चन के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं गिवन है तो अपने पास कंडीशन क्या बन जाती है, आरसीसी. आरसीसी ले लिया, अब आरसीसी में अपन को देखना क्या है, सेकंड स्टेप मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो.
बच्चे फ्रॉम वाटर सीवरेज सीमेंट रेशियो कितना है माइल के सामने 0.55, ये तुम्हारा हो गया डब्ल्यू सी रेशियो। इसके सामने तुम्हें ये याद रखना है मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना है 300, मतलब आप डब्ल्यू सी रेशियो से जो अपना सीमेंट कंटेंट निकालेंगे वो 300 से कम नहीं आना चाहिए। ये अभी अपन देखेंगे स्टेप थर्ड एंड फोर्थ में। तो अपन ने इसके अंदर अपने पास जो आया 0.55 वाटर सीमेंट रेशियो सेलेक्ट कर लिया। अब ये अपने पास मैक्सिमम सीमेंट रेशियो है, अब इट डिपेंड्स। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि भाई मैं साइड के अंदर जो तुम्हारी साइट है वहां पर वाटर सीमेंट रेशियो 0.47 ही यूज करूंगा, तो 0.47 इज गुड कि बिकॉज जो अपन ने सेलेक्ट किया है वो 0.55 इज ग्रेटर देन 0.47 वेयर 0.55 इज योर मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है 0.55 और अपन ने जो सेलेक्ट किया 0.47, hence it is considered good। अब भाई क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कोई भी वाटर सीमेंट रेशियो नहीं गिवन है और तुम्हारे पास मैक्सिमम 0.55 रहता, इफ नो वैल्यू ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो इज गिवन टू यू and your maximum value is 0.55, then you have to select the value below this 0.55. you can also select 0.50, 0.49, 0.48, it all depends on your experience and what type of concrete you want। टाइप मीन्स वर्केबिलिटी। ओके, नाउ इन दिस कॉन्क्रीट M20 वी आर सेलेक्टिंग डब्ल्यू सी रेशियो इज इक्वल टू 0.47 विच इज इन आर क्राइटेरिया, पोर्ट क्राइटेरिया। आफ्टर सेलेक्टिंग द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो थर्ड स्टेप विल बी योर selection of water content। So selection of water content will depend on the nominal size of your aggregate। As I have already told you, if no size of aggregate is given to you, then you have to select 20 mm aggregate size। Now in this question we are selecting 20 mm aggregate size। This table is from IS 10262। I will let me show you this table in code। सर सारे कोड और ये टेबल अलग अलग है क्या सर? नेट पे भी ढूंढे तो सब सारी एक साथ थोड़ी मिलेगी। दो ही कोड यूज आएंगे इसके अंदर प्रेम, एक तो आई एस 456 और आई एस 10262। आई एस 10622 जो वो तुम्हें एग्जाम के अंदर पूरा मिल जाएगा, पर आई एस 456 में सिर्फ दो टेबल यूज आएगी, वो तुम्हें याद होनी चाहिए। और सर ये मतलब M20 के लिए अलग होगी, M40 के लिए अलग होगी, अलग अलग होगी क्या? नहीं कुछ भी अलग अलग कुछ भी नहीं आएगा, ये सिर्फ ये अपना जो ये वाली टेबल है, टेबल देखो तुम। हाँ सर। टेबल किस पे डिपेंड कर रही है? टेबल में क्या लिखा हुआ है? टेबल में सिर्फ एग्रीगेट की साइज डिपेंड कर रही है। 10 mm के लिए अलग वैल्यू है, 20 mm के लिए अलग है और 40 mm के लिए अलग है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ मटेरियल यू आर सेलेक्टिंग, टाइप ऑफ मटेरियल यू आर सेलेक्टिंग। सपोज यू सेलेक्ट द 10 mm एग्रीगेट, देन मैक्सिमम वाटर कंटेंट विल बी 208 किलोग्राम। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 20 mm सेलेक्ट किया है,
क्योंकि इसमें चांसेस रहते हैं जो तुम्हारा ट्रायल मिक्सिस बनता है 20 mm के साथ, वो ऐसा बनता है जिसमें अपन को डिजायर्ड स्ट्रेंथ मिल जाती है, ऐसा अपन लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पे मानते हैं, इसलिए अपन 20 mm सेलेक्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें 10 mm गिवन है तो इस टेबल में से तुम्हें 208 वैल्यू लेनी पड़ेगी, पर अपन इस क्वेश्चन के अंदर अपन 20 mm सेलेक्ट कर रहे हैं तो 186 किलोग्राम अपन ने वैल्यू सेलेक्ट की है। और जो ऊपर वाली टेबल है इसके अंदर भी ये कोई M20, इसमें तुम्हारे पास जो है वो डिपेंड कर रहा है M20 और इसके ऊपर, M15 होगा तो ये, M20 होगा तो ये, M20 ये होगा तो ये, M25 होगा तो ये, तो ये तो PCC है। अगर क्वेश्चन के अंदर PCC गिवन है तो ये टेबल कंसीडर करनी है, अगर PCC नहीं गिवन है तो M20, M25, M30, M35 एंड M40 ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है तुम्हें इसके हिसाब से। अगर यहां तक के स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन आगे चलते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम्हें सब गिवन होगा कोड के अंदर, सिर्फ तुम्हें वैल्यूज ढंग से लेनी है और कुछ भी नहीं करना है। एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू इन कोड और योर वर्क इज ओनली टू सेलेक्ट values and get the answer or quantity of your cement aggregate and coarse aggregate. अब अपने पास वापस वही कहानी आ गई कि calculation of cement content WC ratio अपने पास कितना है 0.47। अपन ने सीमेंट वाटर कंटेंट निकाल लिया, वाटर कंटेंट क्या निकाला था 186 किलोग्राम और ये आ गया 0.47। सो योर सीमेंट कंटेंट इज इक्वल टू 395.75 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। टिल नाउ एनी अदर प्रॉब्लम? अपन ने ये फाइंड कर लिया वाटर का वेट कितना है और सीमेंट का वेट कितना है। अगर यहाँ इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ स्टेप 4 तक। बहुत सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है। स्टेप 5 proportion of volume of coarse aggregate and fine aggregate. What will be the proportion of coarse aggregate and fine aggregate for 1 meter cube concrete? So इसमें table 3 use आएगी IS 10262 2009। अब क्वेश्चन में वापस अपन आते हैं ऊपर क्वेश्चन में। टेबल सबसे पहले तुम्हें टेबल देखनी है, टेबल के अंदर क्या क्या है अपने पास। जो टेबल है तुम्हारे पास उसमें वही एग्रीगेट की साइज है 20 mm, अपन ने 20 mm सेलेक्ट किया था। अब जोन गिवन है, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, जोन 4th, जोन 3rd, जोन 2nd, जोन 1st। क्वेश्चन के अंदर अब तुम्हारे पास जोन 4th, जोन 3rd, जोन 2nd, जोन 1st गिवन है या नहीं है ये देखते हैं। पर इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं गिवन है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं गिवन हो तो कैसे सेलेक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास कुछ भी कोई भी जोन नहीं गिवन है, स्टेबल के हिसाब से नो जोन इज गिवन। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम कौन सा जोन इसके अंदर सेलेक्ट करें, कैसे करें। तो मैंने एक नीचे एक ब्लॉक और दिया है इसके अंदर जोन और उनकी पर्पसेस, जोन एंड इट्स पर्पस। जोन फर्स्ट और सेकंड है उसमें जो एग्रीगेट मिलेगा
वो ही एग्रीगेट तुम्हारे कंक्रीट बनाने के लिए काम आएगा। जोन फर्स्ट एंड सेकंड है, उसमें जो एग्रीगेट मिलेगा वो ही एग्रीगेट आप लोगों के कंक्रीट बनाने में काम आएगा। जोन थर्ड में जो एग्रीगेट मिलेगा वो एग्रीगेट सिर्फ प्लास्टरिंग के लिए यूज आएगा, जोन थर्ड। और जोन फोर्थ के अंदर जो तुम्हारा एग्रीगेट मिलेगा वो सिर्फ किसी काम का नहीं आएगा, इट इज ऑनली रिजेक्टेड एग्रीगेट जोन फोर्थ। तो जोन फोर में जो भी एग्रीगेट मिलता है वो अपन कहीं यूज नहीं करते। जोन थ्री में जो एग्रीगेट मिलता है उसको अपन प्लास्टरिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। और जोन और फर्स्ट और सेकंड इवन है वो एग्रीगेट तुम्हारा कंक्रीट में यूज आएगा। अब क्योंकि अपन को जोन में ही गिवन है, जब कुछ भी गिवन नहीं होता है, जब कोई भी जोन गिवन नहीं होता है तो अपन जोन सेकंड एज्यूम करते हैं। जब एग्रीगेट की साइज गिवन नहीं होती है, जब अपन 20 mm एग्रीगेट यूज करते हैं और कोई भी जोन नहीं गिवन होता है तो जोन सेकंड यूज करते हैं, याद रखना। राहुल भाटी ये क्लास हमारी मेरी, मैं ही ये क्लास लूंगा, गौरव गिल सर नहीं लेंगे क्योंकि गौरव गिल सर को भी ये पार्ट करवाना था, मैं ही करवा रहा हूं तुम्हें। तो अपने पास वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कैसे निकल गया 20 में, देखो जोन सेकंड में गए अपन, जोन सेकंड में वैल्यू आ गई 0.62, ये वैल्यू आ गई 0.62। तो 0.62 तो अपने पास हो गया ये वॉल्यूम कोर्स एग्रीगेट का। तो वॉल्यूम फाइव एग्रीगेट होगा 1 - 0.62, 1 इज योर कंक्रीट एंड 0.62, 1 - 0.62, तो सो योर फाइन एग्रीगेट इज 0.38, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट एफए। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन मैं हाथ से करूंगा और तुम्हें बताना है कौन से स्टेप में क्या क्या होएगा। एवरीवन शुड बी इन्वॉल्वड, यस सर, प्लीज ओपन द स्टेप 4 स्लाइड। वेट अ मिनट, स्टेप 4 ओके सर, ओके एवरीवन, यस सर, नाउ इट्स मिक्स कैलकुलेशन। मैंने सब कैलकुलेट कर लिया है, वी हैव कैलकुलेटेड सीमेंट quantity, water quantity, volume of coarse aggregate and fine aggregate with the help of IS 1062, but mass is remaining, mass of coarse aggregate and fine aggregate is remaining. For that we have assumed that volume of concrete is 1 m³. We know that volume of cement is equal to mass of cement upon mass density. It means density is equal to mass upon volume and volume is equal to mass upon density. Simple. But can you tell me what I can use in the place of density? Mass upon volume. Anyone? Mass. अपने numerical discuss की इसकी जगह स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। वी नो दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर।
So density of cement will be equal to 3.15. Definitely G into rho W. So G is your 3.15, unit weight of water is 1000 and 396.75. This is your volume of cement. Similarly, volume of water we can find out. 186 is your mass of water, 1 is your unit weight of water, and 1000 everyone, 1000, what is 1000 beta? Density of the water. Yes, this is the density of the water and specific gravity of water. वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट्स अपने पास आ गया, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट आ गया. अपन को बताया वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, मैंने तुम लोगों को बताया था क्या होता है. एग्रीगेट प्लस सीमेंट प्लस वॉटर. नाउ अपन को ये पता है एग्रीगेट इज इक्वल टू द फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट. अब अपन को ये अगर फाइंड आउट करना है तो अपन को टोटल वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा. टोटल वैल्यू अपने पास कितनी है, 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट. सो देयर आर नाउ इक्वेशन, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. बट कोड सजेस्ट अस कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल टू डी, इज डी into specific gravity of coarse aggregate into volume of coarse aggregate into 1000. कोड के हिसाब से ये फॉर्मूला बनता है. कोड 1026 टू सजेस्ट दिस फॉर्मूला. And mass of fine aggregate is equal to D into specific gravity of fine aggregate into volume of fine aggregate into 1000. अब किसी को ये problem आ रही है, sir ये formula कैसे आया? तो ये formula ऐसे आया भाई, mass upon volume into rho W. So your mass is equal to G into V into rho W. रो डब्ल्यू जी अपने पास है, वी अपन ने क्या वॉल्यूम कितना निकाला था आगे, 0.62 एंड 1000. बट दिस इज द फैक्टर व्हिच इज सजेस्टेड बाय द कोड, दिस डी. कोड सेज यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस फैक्टर टू फाइंड आउट द मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड टू फाइंड आउट द मास ऑफ फाइन एग्रीगेट. ओके सॉरी वापस लेना सर, पीछे एक में हाँ वेट. ओके सर ये लिखा ना वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट, इसका क्या मीनिंग हुआ? वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट मतलब हुआ, मैंने बोला ना तुम्हें कंक्रीट का कंक्रीट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू क्या होता है. अपन मान लेते हैं एक तो एग्रीगेट होता है उसके अंदर, उसमें सीमेंट होता है, वाटर होता है. हाँ वाटर होता है. दिस एग्रीगेट इज सजेस्टेड बाय फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट. ओके वेल अपन अगर इसको इस साइड ले जाएंगे तो टोटल वॉल्यूम अपने पास 1 मीटर क्यूब है, माइनस सीमेंट के अपने पास वॉल्यूम कितना आया, 0.126 मीटर क्यूब प्लस 0.186. इस तरीके से अपने पास निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट. वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट मतलब कंबाइंड कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट.
ओके ओके सर ओके। सो स्टेप 7 इज योर मिक्स प्रोपोर्शन सीमेंट 395.75 किलोग्राम फाइन एग्रीगेट अपने अपना वेट फाइंड आउट कर लिया कोर्स एग्रीगेट 1151.7 किलोग्राम मिक्स प्रोपोर्शन अपन ने इस तरीके से निकाल लिया सबको डिवाइड कर दिया ये तुम्हारे पास मिक्स प्रोपोर्शन आ गया फॉर M20। दिस इज ऑल द वैल्यूज फॉर पर मीटर क्यूब यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल दीज वैल्यूज आर पर मीटर क्यूब। इफ आई से फाइंड आउट द कॉन्क्रीट quantity of find out the quantity of cement fine aggregate coarse aggregate for the value of 5 meter cube of grade M20 so you nothing you have to do you have to multiply these values from 5 into 5 into 5 and into 5 okay I will give you 5 minute break then after 5 minutes we will restart and see how we designed M40 pani bhi ke alag hai sab Anyone having any problem in M20 design can speak now. Sir, first time जो question दिखाया था ना उसके नीचे वो सारी वो value दी हुई थी sir उसका क्या है use हुआ इस question में इसमें तो सारी value हमने table से ली ना ये वो जो सारी values मैंने तुम्हें बताई थी वो सिर्फ confusion के लिए दी हुई थी याद रखना तुम्हें अब जो मैंने values बताई है अपने जो यूज आएगी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही इस क्वेश्चन के अंदर यूज आएगी डिजाइनिंग में सारी वैल्यूज नहीं आएगी अब मैं तुम्हें चाहूं तो मैं बहुत सारी वैल्यूज दे सकता हूं मैंने मान लो तुम्हें को 50 वैल्यूज दे दी कंक्रीट की कि भाई बल्क मॉडुलस इतना है इलास्टिक मॉडुलस कंक्रीट का इतना है पर इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारी ये वैल्यूज कहीं यूज नहीं आएगी वो गिवन इसलिए होती है कि वो तुम डिसाइड करो तुम्हें इसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए उसमें से निकालो और उसका यूज करके मिक्स डिजाइन करो ये सब जब तुम खुद हाथ से करोगे इस मिक्स डिजाइन को जब तुम्हें समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए अभी तक अपने को सिर्फ 4 या 5 ही वैल्यूज की जरूरत पड़ी ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ी है और वो एक भी क्वेश्चन में गिवन नहीं थी ना अपने पास जोन गिवन था ना एग्रीगेट की साइज गिवन थी सब अपन ने एज्यूम किया है
पर अब जो ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया इसलिए कि अगर तुम्हारे पास, क्योंकि मैंने जब पुराने आरटीओ के भी पेपर निकाल के देखे और कॉम्पिटिशन में भी देखा तो उसके अंदर क्या होता है, वो तुम्हें हमेशा एक चीज बोल देते हैं, डिजाइन M20 कॉन्क्रीट, एज्यूम सुटेबल वैल्यू एंड राइट इट डाउन। मतलब आपको जो सुटेबल वैल्यू तुम एज्यूम कर रहे हो उनको लिखो भी और उससे क्वेश्चन सॉल्व भी करो। तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि सुटेबल वैल्यूज कौन कौन सी है जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज आएगी, एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर साइट ऑल्सो। अब अपन स्टार्ट करते हैं M40 विद सुपर प्लास्टिसाइजर। ये जो M20 था ये विदाउट प्लास्टिसाइजर था, M40 है जो सुपर प्लास्टिसाइजर है, इसके बीच में M30 आता है। तुम आराम से उसको जब 40 देखोगे तो M30 भी डिजाइन रहेगा, सबकी डिजाइन सेम रहती है। अब थोड़ा सा मैं स्क्रीन पूरी शेयर कर देता हूं तुम्हारे साथ ताकि क्या है तुम्हें पूरा क्लियर अब समझ में आए, कोड यूज आएगा पूरा, कोड की वैल्यूज भी अपन यूज करेंगे। कोड विजिबल है, ये कोड है तुम्हारा IS10262009। ये अभी मैं इसका लिंक शेयर कर लूंगा तुम्हारे साथ क्लासरूम में, तुम देख लेना। इसमें ही अपने पास एक कॉन्क्रीट के डेटा दिए हुए, ये सारा डेटा दिए हुए, ये कोड शेयर करूंगा जब तुम सारे डेटा लिख लेना, अभी सिर्फ देख लो। ग्रेड डेजिग्नेशन है M40, टाइप ऑफ सीमेंट है OPC 43, गेट कंफर्मिंग टू IS 8112, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट इज 20 mm। नाउ सी अपने पास क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट गिवन है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट इज आल्सो गिवन टू यू 320, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45, वर्केबिलिटी योर वर्केबिलिटी इज 100 mm, एक्सपोजर कंडीशन इज सीवियर फॉर रिन्फोर्स कॉन्क्रीट नॉट फॉर प्लेन कॉन्क्रीट, इट इज गिवन फॉर रिन्फोर्स कॉन्क्रीट, मेथड ऑफ कॉन्क्रीट प्लेसिंग इज पंपिंग, डिग्री ऑफ सुपरविजन इज गुड, टाइप ऑफ एग्रीगेट इज क्रस्ड, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इज 450, केमिकल एडमिक्सर टाइप इज योर सुपर प्लास्टिसाइजर। नाउ इन दिस मिक्स डिजाइन वी आर यूजिंग सुपर प्लास्टिसाइजर। तो मैं सबसे पहले मैं ये बताऊंगा सुपर प्लास्टिसाइजर होता क्या है। सेकंड इज सीमेंट यूज ओपीसी 43 गेट, अपन ये देख लिया स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट, केमिकल एडमिक्सचर सुपर प्लास्टिसाइजर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 2.74, फाइन एग्रीगेट इज 2.74, वाटर एब्जॉर्प्शन इज 0.5 एंड फाइन एग्रीगेट इज 1। प्री मॉइस्चर nil, fine aggregate is nil, coarse aggregate, now see he has given a table IS sizes mm analysis, this table is not of any use, we only want what fine aggregate conforming to grade zone first, we know that what size of coarse aggregate we are using 20 mm in this design and our zone is zone first, now we can easily design. So first मैं तुम्हें बता देता हूँ सुपर प्लास्टिसाइजर क्या होता है। Substance which reduces the water content, वो substance
जिसको कंक्रीट में मिक्स करने के बाद वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है उसको अपन बोलते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर। इट इज एज्यूम दैट After adding super plasticizer, water content is reduced by 29%. इसको याद रखना 29% से water content reduce हो जाता है. Depends on its percentage. How much you have added? Suppose I want the workability of 80 mm. In slump test, I want the size of the slump to be 80 mm, and I don't want to add that much of water in that. Required water in that. Suppose I want to add only 0.30 water cement ratio. My water cement ratio should be 0.30. But the requirement of water in that for getting 80 mm of slum is 0.45. For reducing that 0.45, we have to add a super plasticizer or an admixture to reduce the water content and to make our ratio 0.30. This is what super plasticizer does to the concrete. It only reduces your water content. Okay. Now we start with our design M40. So what is the first step? Anyone? M40. Target step. Target strength. Very good. M40. First step is your targeted strength. Your target strength is equal to FCK plus 1.65 S. From where we get this S? IS code 1062 also contains the table. This is your table number 1. For M20, value of your S is your standard deviation. Value of your S is 5. देखो इसके अंदर M40 के लिए वैल्यू है 5 S की. सो योर FCK इज हियर हैव योर FCK इज 40 एंड IS दिस इज 5 IS 10262 टेबल नंबर One. So 40 plus 1.65 into 5. This value is equal to 48.25 Newton per mm square. So this is your targeted strength which you will require at the end of 28 days. And second step now. What is your second step?
बॉटम सीमेंट रेशियो यस सिलेक्शन ऑफ डब्ल्यू सी रेशियो इट इज बाय आईएस 456 So how will you will select water cement ratio? Anybody? Exposure condition, severe. Which table you will be using? Table number 5 in IS 456. Table number 5. IS 456 exposure condition is your severe table number 5 this is your table number 5 exposure condition is your severe So for severe condition, इसमें हम 40 के लिए तो दिया हुआ ही नहीं है, आसर दिया हुआ है सॉरी, दिया हुआ है ना अपने पास, उसने कंडीशन बोली reinforced concrete, severe condition we have to make this mix for reinforced concrete, M40 your maximum water cement, maximum water cement ratio is 0.42 मास आया भाई 40 सर 40 हाँ योर मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो इज 40 प्रॉब्लम है डब्ल्यू सी रेशियो आ गया 0.40 और क्वेश्चन में अपने पास कितना गिवन था क्वेश्चन में गिवन है 0.45 अपन मैक्सिमम ये सेलेक्ट कर सकते हैं 0.40 अकॉर्डिंग टू कोड 0.40 इज योर अडॉप्टेड वाटर सीमेंट रेशियो इट इज सिंपल टिल नाउ थर्ड योर स्टेप थर्ड कैलकुलेशन ऑफ वाटर Select calculation of water content. Calculation of water content. IS is in this you will be using IS 10262 table number 2. टेबल नंबर टू एक चीज और बतानी थी मैं ये जो टेबल नंबर टू है वो स्लम टेस्ट में 25 to 50 mm के लिए ही है यस सर जो स्लम टेस्ट में बेटा स्लम बनता है स्लम की हाइट बनती है यस सर उस हाइट ये जो टेबल है उस हाइट में सिर्फ 25 से 50 mm तक ही है मतलब 50 mm के ऊपर जब भी कुछ होगा मान लो 75 mm हुआ 75 mm स्लम हुआ तो फॉर एवरी 25 mm फॉर एवरी 25 mm यू हैव टू ऐड थ्री परसेंट मोर वाटर जैसे जैसे अपन को स्लम की साइज बढ़ानी होगी वैसे वैसे अपन को 25 mm हर 25 mm के लिए 3% डालना होगा वेट धोखा दे
For every 25 mm you have to add 3% more water. For few, we will see table number 2. Table number 2 in IS 10262. In table number 2, according to our question, 20 mm is your maximum size of aggregate, opposite it is 186. So your water content will be 186 kilogram, but in question you have given workability is equal to 100 mm slurm. बट मैंने तुम लोगों को बताया कि वो टेबल है वो 25 से 50 mm तक ही अपन को वैल्यूज देती है. अब अपने पास वर्केबिलिटी कितनी गिवन है 100 mm. तो अकॉर्डिंग टू योर वर्केबिलिटी यू हैव टू एडजस्ट योर वाटर कंटेंट. तो अपने पास 50 mm के ऊपर कितना है? हाउ मच? 6% ऐड करना पड़ेगा. यस, डेफिनेटली 6% मोर ऐड करना पड़ेगा. So your water content will be now 186 plus 6 by 100, which is about 197 kilogram. This is your water content. Till now, if anyone having any problem, can ask now. No. Now we go to the question. Question says we have also have a super plasticizer. It doesn't using super plasticizer. Yeah, chemical admixture as type super plasticizer. But question has not given us the value of super plasticizer. Like 2%, 3% of cement content, mass of cement content, or 5% of mass of cement content. Question has not given us. But at the starting of this question, I have told you that by adding super plasticizer, how much water get reduced? 29%. So your 29% water content, the water content will be your 197 into 0.7, 25% we assume, 25%, 29% होता है, पर कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए तुम 25 कर लो, बाकी 29% होता है. भले 71 ले लो इसको, 71. ओके सर. 71, it is about 140 liter. 140 kilogram. Now this is the weight of mass of your water which will be required for making M40 concrete. अब अपन को क्या चाहिए? अब इसके बाद वाला स्टेप 4, सीमेंट कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट. यस, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट. W अपॉन C इज इक्वल टू है 0.40.
वाटर का वेट है अपने पास, तो सीमेंट कंटेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 140 अपॉन 0.40 इज इक्वल टू 350 किलोग्राम मीटर क्यूब, विच इज लेस देन 360। हाँ भाई, ये मैंने 360 क्यों लिखा है? हाईएस्ट वैल्यू है। आप देखो अपने पास मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना है फॉर एम 40? 360 मिनिमम है, मतलब इतना तो इससे तो कम होना ही नहीं चाहिए। इससे से कम अपन कोई वैल्यू एज्यूम कर ही नहीं सकते। कोड कहता है भाई फॉर एम 40 जो तुम्हारे पास मिनिमम सीमेंट कंटेंट होता है वो 360 से कम नहीं होना चाहिए, और जो मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट होता है याद रखना 450, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो भाई अब अपनी वैल्यू तो 350 आई है, कम है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको मैंने एज्यूम करके अडॉप्ट कर ली, अडॉप्ट मिनिमम अपना 360 है, अपन अडॉप्ट कर लेते 370 किलोग्राम पर मीटर की। इज इट फाइन? 370 किलोग्राम पर मीटर, अकॉर्डिंग टू व्हाट इट इज फाइन। What is the step fifth? Calculation of equilibrium. Not calculation, proportioning. Proportion or volume of aggregate, fine or cold? Volume of force aggregate and fine aggregate. Table 3, IS 10262-2009. Okay, your aggregate size is 20 mm and your zone was, क्वेश्चन में आप जोन गिवन था अपने पास, जोन फर्स्ट, फर्स्ट जोन के लिए वैल्यू देखनी है अपन, जोन फर्स्ट ये कोड में जाते हैं, जोन फर्स्ट टेबल 3, दिस इज योर टेबल 3, जोन फर्स्ट 20 mm 0.60 value is your 0.60, but इसमें एक problem है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो value आई है problem है, ये 0.60 value आई है तुम्हारे पास for water content 0.50। वाटर कंटेंट जब 0.50 होता है, जब तुम्हारे पास एग्रीगेट का वॉल्यूम 0.60 होता है, ये जो टेबल बनाई गई है टेबल 3, ये 0.50 वाटर कंटेंट, कांस्टेंट वाटर कंटेंट को मान के बनाई गई है, तो उसके लिए भी कोड रिकमेंड करता है। कोड क्या रिकमेंड करता है कि अगर तुम्हारा वाटर कंटेंट 0.50 से कम है यह ज्यादा है, तो वो कोड बोलता है इसमें एट रेट ऑफ माइनस प्लस 0.01 फॉर एवरी प्लस माइनस 0.05 चेंज इन डब्ल्यू सी रेशियो।
अब क्या कोड बोल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कोड बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोल रहा है। कोड बोल रहा है कि अगर तुम्हारा वाटर सीमेंट रेशियो 0.05 से बढ़ता है या घटता है, जो तुम्हारी वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट है उसकी वैल्यू भी 0.01 से बढ़ेगी या घटेगी। अब इसके अंदर अपन ने वाटर सीमेंट रेशियो कितना लिया भाई, 0.40, और टेबल के हिसाब से वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, 0.50, तो डिफरेंस कितना आया, 0.10। तो कोड कह रहा है फॉर एवरी 0.05 वैल्यू, फॉर एवरी 0.505 वैल्यू आपकी वैल्यू चेंज होगी 0.01 के हिसाब से। तो अपने पास 0.10 कम है, तो कोड कहता है जब 0.10 कम हो तो उस समय तुम्हें 0.02 वैल्यू लगा देनी है। मतलब हर 0.05 की वैल्यू के लिए अगर कम हो रही है तो तुम्हें 0.01 बढ़ाना है, और 0.05 की वैल्यू अगर बढ़ रही है उससे तो तुम्हें 0.01 से वैल्यू को घटाना है। जब इधर वैल्यू घट रही है जब तुम्हें बढ़ाना है, और इधर जब वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इधर डिक्रीज करना है। तो अब अपनी वैल्यू कितने से डिक्रीज हो रही है, 0.10 से, तो अब अपन को वैल्यू कितने से बढ़ानी पड़ेगी, 0.02। तो वॉल्यूम ऑफ योर कोर्स एग्रीगेट will be now 0.62। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बताओ। सर एक बार वापस से, जो अपने टेबल 3 है IS 10262 की, वो कहती है कि जो वैल्यू है तुम्हारे पास वाटर सीमेंट रेशियो, वो पूरी टेबल उस बेसिस पे डिजाइन हुई है, वाटर सीमेंट रेशियो रहता है 0.50, पर कोड इसके लिए भी एक रिकमेंडेशन देता है। कोड क्या कहता है, फॉर एवरी 0.05 वैल्यू चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो, अगर वाटर सीमेंट रेशियो 0.05 बढ़ रहा है या 0.05 घट रहा है, उस कंडीशन में तुम्हें जो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू है वो 0.01 से बढ़ानी पड़ेगी या घटानी पड़ेगी। तो मैंने इधर तुम्हें बताया, अगर तुम्हारी वैल्यू जो वाटर सीमेंट रेशियो, ये वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू 0.05 से अगर डिक्रीज हो रही है, मतलब 0.05 से डिक्रीज हो रही है, तो 0.01 से ये वैल्यू जो तुम्हारे वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। और अगर 0.05 से इंक्रीज हो गई है तो ये वैल्यू वॉल्यूम ऑफ जो कोर्स एग्रीगेट है वो 0.01 से डिक्रीज हो जाएगी। बट अब अपने पास जो अपन ने जो वाटर सीमेंट रेशियो अडॉप्ट किया है वो है 0.40, और कोड क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.50, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस है 0.510। तो 0.05 के लिए 0.05 के लिए 0.01 और 0.2 वैल्यू हो गई, तो ये हो गया टोटल 0.10, और इसके लिए 0.01, ये हो गया 0.02। ये इसके अंदर 60 के अंदर ऐड कर दो तुम, ये वैल्यू आई 0.60 प्लस 0.02 इज इक्वल टू 0.62। आ गया समझ में? यस सर। So your corrected value is 0.62. So volume of fine aggregate कितना हो गया? Volume of फाइन एग्रीगेट इज इक्वल टू हो गया 1 - 0.62 इज इक्वल टू, ये हो गया वॉल्यूम तुम्हारे पास 0.38 ठीक है।
ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। अब तुम्हारा स्टेप फिफ्थ हो गया, लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का। स्टेप फिफ्थ विल बी योर, इन स्टेप फिफ्थ नाउ वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ फोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। फॉर दैट वी एज्यूम, अपन ने एज्यूम कर लिया वॉल्यूम ऑफ योर कॉन्क्रीट इज 1 meter cube। हाँ भाई, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, सीमेंट अपॉन एम सी अपॉन जी इंटू गामा डब्ल्यू या रो डब्ल्यू, इसको रो डब्ल्यू बोल। अपने पास कितना है सीमेंट का वेट? कैलकुलेट करो, मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। 3.15 इंटू 1000, ये कैलकुलेट करो। 0.117 मीटर क्यूब। दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ वाटर। व्हाट वाज द मास ऑफ वाटर? 187 140। वन इंटू थाउजेंड कितनी आई? कैलकुलेशन करो इसकी। 0.140 मीटर क्यूब। डी, एक और चीज अब अपन ने इसके अंदर एक्स्ट्रा जोड़ दी थी, वॉल्यूम ऑफ योर एडमिक्सचर। जब अपने पास कुछ भी परसेंटेज नहीं गिवन हो, जब याद रखना आई एम एज्यूमिंग दैट सुपर प्लास्टिसाइजर एट द रेट 2% बाय मास ऑफ सीमेंटियस मटेरियल, सीमेंट यस बारिश आ गया। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? क्यों एम ए इक्वल टू क्या होगा? 2% एज्यूम किया मैंने सीमेंट का, एनीवन 370 या 370 का 2% निकालो। सुपर प्लास्टिसाइजर एज्यूम किया है मैंने, अरे 7.4, 2% होता है 7.4 अपॉन, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर विल नॉट बी गिवन टू यू, यू हैव टू एज्यूम 1.145 इन 2000। नाउ कैलकुलेट 7.4 क्या है? कौन सा 7.4? 7.4 मैंने बोला ना बेटा, सुपर प्लास्टिसाइजर अपन एज्यूम कर लिया है कि सीमेंट जो है उसका 2% अपन ने सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया है, सिर्फ 2%। ये देखो यहां पे 0.117 का, अच्छा इसका सर इसका मास का 2% है ना? मास का लिखा ना भाई, मास ऑफ सीमेंटिशियस मटेरियल, तो सर इसका 0.117 का होगा। ये बोल दूं ना, सॉरी 370 का 2% निकला है भाई।
इसका निकालो बेटा, इसका 3.7 आएगा 1%, 3.7 2%, ऐसे कैलकुलेशन मत करो रे यार। ये 7.4 सर सही है, कितना है ये कैलकुलेट करो। 0.00646 मीटर क्यूब, 4606 मान लेते अपन 6 मीटर क्यूब, ठीक है। इसको मान लो ए बी सी एंड दिस इज योर डी, सो वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट्स equal to a minus b plus c plus d, so a is your one minus b कितना है 0.117 plus c 0.140 plus D 0.006। कैलकुलेट करो भाई ये कितना है वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट, 0.737 0.737 ओके। मीटर क्यूब, अब इसको मान लो E, तो अब अपने पास आ जाएगा मास ऑफ फोर्स एग्रीगेट इज इक्वल टू E इनटू वॉल्यूम ऑफ फोर्स एग्रीगेट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फोर्स एग्रीगेट हो गया 0.737 वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट था अपने पास प्रोपोर्शनिंग, कितना था भाई वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये रहा 0.62 जो रो डब्ल्यू भी आएगा यहाँ, और स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्वेश्चन के अंदर अपने पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट गिवन है, ये रहे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक 2.74 सही है, वेरी गुड 2.74 इनटू 1000 कर लो भाई, ये कैलकुलेट करो कितना आया मास ऑफ फोर्स एग्रीगेट, बारह सौ बावन पॉइंट जीरो एक 1252 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिमिलरली मास ऑफ फाइन एग्रीगेट E इनटू वॉल्यूम ऑफ FA इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी FA इनटू हमारे क्यूब, दिस इज E इज योर 0.37 वॉल्यूम ऑफ FA इज 0.38 स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.74 इनटू 1000 कैलकुलेट 767.36 कितना 767.36
767 यस सर 0.136 है। अरे चार वैल्यूज आएगी ना यार, यस सर यही है 767.36 इसको अपन 768 ही मान लेते हैं, 768 किलोग्राम पर मीटर के। तो ये सब आ गया अब तुम्हारे पास, सीमेंट कंटेंट कितना आया था देखते हैं, सीमेंट कंटेंट आया था 370 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट कितना आया था 140 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड योर कोर्स कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट वाज 1252 एंड फाइन एग्रीगेट इज 768 ये आपके क्वांटिटी आ गई, ये डिजाइन हो गई फॉर 1 मीटर क्यूब M40 ठीक है आ गया सबको समझ में। रेशो निकालना है तो इसको इससे डिवाइड कर दो और इसको इससे वापस दोनों को डिवाइड कर दो रेशो आ जाएगा डिवाइड बाय 370 दिस आल्सो डिवाइड बाय 370 दिस हो ये दोनों जो रेशियो है वो सीमेंट के रेस्पेक्ट में है ये हो गया फाइन एग्रीगेट ये हो गया कोर्स एग्रीगेट और ये हो गया सीमेंट ठीक है। एक चीज और बतानी है तुम्हें इसके अंदर मैंने यूज नहीं की पर अब तुम्हें दे बता देता हूँ अपन ने ये जो डिजाइन किया है नॉर्मल प्लेसिंग होती है उस सेंस में किया है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट अपन ने कल पढ़ा था परसों मतलब प्रीवियस क्लास में वो नॉर्मल के लिए किया है अपने क्वेश्चन में था पंपिंग जब भी पंपिंग हो तो अपन ने जो वॉल्यूम ऑफ फोर्स एग्रीगेट निकाला था आगे उसको 10% से रिड्यूस कर देना है रिडक्शन ये जो वॉल्यूम निकाला था अपन ने कहा निकाला था 0.62 नहीं निकाला था इस वैल्यू को जब पंपिंग की कंडीशन आएगी इसको 10% से रिडक्शन दे देना है अगर इसको मैं 10% से रिडक्शन देता हूं ना तो
तो 0.62 इनटू 0.9 ये वैल्यू है 0.56 और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट 1 माइनस 0.56 ये वैल्यू आ जाती 0.44 ये चीज दो चीज याद रखना तुमको ठीक है 10% से रिड्यूस करने हाँ रिडक्शन दे दिया है सर वो पी 10% से लेने से 90 क्या ये क्यों लिखा सर आपने अरे 0.9 लिखा है बेटा मैंने तुम ऐसे भी लिख सकते हो 0.62 माइनस ऐसे भी तुम लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं 0.62 इनटू ये फिर बच्चों जैसे हो जाएगा कितने परसेंट से रिडक्शन था 10 से नहीं मैंने सोचा आपने 92 लिखा है वो इक्वल टू लिखा ना नहीं वो इक्वल है इक्वल ठीक है अब एक बार क्वेश्चन खुद हाथों से कर लेना कोड अभी मैं तुम्हें घर जाके दे दूंगा तुम अटेंडेंस लगाओ और जा सकते हो मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना मेरे को सर रिकॉर्डिंग नहीं भेजी अभी तक आपने अरे यार मैं भूल जाता हूँ रोज बिजी था रहता हूँ मैं भूल जाता हूँ आज पक्का भेज दूंगा सारी ये वाली भी भेज देना सर ठीक सिकंदर हाइड्रोलिक्स की रिकॉर्डिंग आ गई है ठीक है ना ओके सर ओके थैंक यू सर ओके सर पंपिंग वाला क्या था सर मैं पंपिंग वाले में मैंने तुम लोगों को बताया कि जो वॉल्यूम ऑफ कोर्स